हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग का जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, उसका सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, जिसमें हम फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोर फीचर और री इशू में हम क्या जनरल एंट्रीज बनाते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है और कभी एप्लीकेशन पे कुछ पैसा आया, कुछ अलॉटमेंट पाया, फिर वो कॉल करती है, मान लीजिए फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, तो उस समय जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जब पैसा नहीं दे पाए तो उनके शेयर्स जो नहीं दे पाए तो उनको हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर में हम उनके अमाउंट को लिख देते हैं। जब एंट्रीज बनाते हैं इशू ऑफ शेयर्स में तो हम कॉल्स इन एरियर में उस अमाउंट को लिख देते हैं, लेकिन कुछ नोटिस देने के बाद भी फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम उनके शेयर्स को जब्त कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं उनके शेयर्स को, और उनका पैसा जब्त हो जाता है। फिर वो पैसा उन्हें वापस नहीं देंगे और शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो उन शेयर्स को हम, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स जब्त हो गए उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जब फोर फीचर ऑफ शेयर्स हम करेंगे तो क्या जनरल एंट्रीज हम बनाते हैं, मतलब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, वो हम देखते हैं। देखिए, पहला ए पॉइंट हमने लिखा है कि वो शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। देखिए, पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि शेयर्स तीन तरीके से हम इशू कर सकते हैं एट पार, यानी कि दस रुपये का शेयर है तो दस रुपये पर ही इशू कर रहे हैं। एक होता है डिस्काउंट, कि दस रुपये का शेयर है हम आठ रुपये या नौ रुपये पर इशू कर रहे हैं। तीसरा होता है प्रीमियम, प्रीमियम में क्या होता है कि शेयर दस रुपये का है लेकिन हम बारह रुपये, पंद्रह रुपये, बीस रुपये, मतलब दस रुपये से ज़्यादा में इशू कर रहे हैं, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो देखिए, पहला हम एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम जनरल एंट्री देख रहे हैं कि ऐसे शेयर्स को हम फोरफिट कर रहे हैं जो पहले जब इशू हुए थे वो पार पे हुए थे, यानी कि सेम वैल्यू पे, दस रुपये का दस रुपये पे हुआ था, तो अब उसको हम फोरफिट कर रहे हैं, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं शेयर को। तो पहले शेयर कैपिटल क्रेडिट में लिखते थे, अब देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, और जितने हमने उनसे पैसे कॉल करे हैं वो अमाउंट आ जाएगा इसमें, कि सौ शेयर्स हैं दस रुपये, हमने पाँच रुपये मांगे हैं उनसे तो दस, पाँच रुपये अब तक मांगे हैं तो सौ शेयर इंटू पाँच कर देंगे। फिर जितने मांगे हैं वो तो ऊपर आ गए शेयर कैपिटल में, टू फोरफिटेड शेयर्स में वो आएंगे जो अब तक वो पेमेंट कर चुके हैं, जो शेयर होल्डर, जो अंशधारक हैं वो पेमेंट कर चुके हैं, वो फोरफिटेड शेयर्स में आ जाएंगे। और जो पेमेंट अभी वो नहीं दे पाए, जिनकी वजह से शेयर्स को कैंसिल, जब्त करा जा रहा है, शेयर्स ख़त्म करे जा रहे हैं, कि वो कितना पेमेंट नहीं कर पाए, वो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में लिख दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखेंगे आप कि हम फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, अगर पहले वो प्रीमियम पे इशू हुए थे, अब हम उन्हें जब्त कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रीमियम का पैसा पहले दे चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये समझने की बात है कि प्रीमियम का पैसा अगर वो दे चुके हैं तो उसको अब हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे प्रीमियम के अमाउंट पर, क्योंकि कंपनी लॉ में कहा गया है, जो कंपनीज एक्ट है हमारा, कि उसमें फोर प्रीमियम के पैसे को वापस या कैंसिल नहीं करा जाएगा, वो केवल कुछ जगह के लिए ही, कुछ पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है, तो उसे हम इस तरह से कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम के पैसे को इग्नोर कर दिया जाएगा। और एंट्री वही पहली वाली रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स और टू कॉल्स इन एरियर। तो समझ लें आप कि अगर पहले प्रीमियम दिया गया है, जो पहले शेयर इशू हुए थे, अब उनको हम कैंसिल कर रहे हैं, तो अगर उन शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो उसको हम अब ध्यान में नहीं देंगे, उसे इग्नोर कर दीजिए, उसे भूल जाइए कि कोई प्रीमियम था, और सिंपल एक नॉर्मल एंट्री, जैसे कि दस रुपये का शेयर दस पे ही लिया है, वही लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर देखिए, सेकेंड पॉइंट है इसमें, देखिए कि प्रीमियम का पैसा उन्होंने पे नहीं करा, जैसे कि मान लो उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, अब हमने प्रीमियम फर्स्ट कॉल में ही रख रखा था और वही पैसा उन्होंने नहीं दिया, तब हम एंट्री बनाएंगे। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कि जितना हमने कॉल करा है, फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि पहले हमने उन्हें क्रेडिट में लिखा था प्रीमियम के अमाउंट को, तो जो प्रीमियम पे नहीं करा वो अमाउंट आ जाएगा, टू फोरफिटेड शेयर्स की कितना पे कर दिया, और टू कॉल्स इन एरियर जितना पे नहीं करा वो एंट्री में आ जाएगा। तो एंट्री बन गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो यानी कि जब प्रीमियम दे दिया तो भूल जाइए, प्रीमियम नहीं दिया है तब हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। तीसरा है कि अगर शेयर्स हम वो फोरफिट कर रहे हैं, वो कैंसिल कर रहे हैं जो पहले डिस्काउंट पे इशू हुए थे, तो डिस्काउंट को अब हम पहले डेबिट करा था, अब हम क्रेडिट साइड में उल्टा कर देंगे, इसको लिख देंगे क्रेडिट में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रहेगा, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स जितना भी डिस्काउंट था, टू फोरफिटेड शेयर्स जो पैसा दे चुके हैं, टू कॉल्स इन एरियर जो पैसा उन्होंने नहीं दिया। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है, यानी कि एक तरीके से जो हम शेयर इशू करते थे अब हम कैंसिल कर रहे हैं, तो एंट्री उल्टी हो गई है बस थोड़ी सी, बाकी कंसेप्ट आपको ये समझना है। बाकी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अब देखिए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, जिससे कि आप ये कंसेप्ट और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे।
तो अब हम इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं, जनरल एंट्रीज बनाएंगे। उससे पहले अब हम पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन में देखेंगे आप, क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा कि हम जब सॉल्यूशन करें, जनरल एंट्रीज बनाएं, तो आपको क्वेश्चन आपके पास रहे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन हट जाएगा वीडियो के सामने से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रत्नेश एंड कंपनी है, जो 10 लाख की उसकी कैपिटल है, 1 लाख शेयर, 10,000 शेयर हैं 100 रुपये वाले। कंपनी ने अभी 5,000 इक्विटी शेयर इशू करना है कंपनी को, जिसे 50 रुपये एप्लीकेशन पे, 20 रुपये अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ और सेकेंड कॉल पे, फाइनल कॉल पे 10 रुपीज़। तो टोटल हो गए 100 रुपीज़। फिर क्या हुआ, कंपनी को एप्लीकेशन मिली 4,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। वैसे तो इशू उन्होंने 5,000 करे थे, लेकिन मिले उन्हें 4,000 एप्लीकेशन जो अलॉट कर दिए गए। सारा मनी प्राप्त हो गया, लेकिन एक फर्स्ट और फाइनल कॉल के 100 शेयर्स पे उन्हें पैसा नहीं मिला। फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है, ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के ने 20 और 10 30 रुपये उनको प्राप्त नहीं हुए। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो संचालक मंडल होता है, उन्होंने उन शेयर्स को फोरफीट कर लिया, यानी कि उनके कैंसिल कर दिए, उनको जब्त कर लिया गया। तो अब हमें एंट्रीज बनानी हैं कि कैसे कैसे हम एंट्रीज बनाएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है? तो इनको जब्त कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, जिससे कि हम जब क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है? अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, एंट्रीज बनाएंगे। देखिए एंट्री सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है? कितने रुपए मिलेंगे हमें? 4,000 एप्लीकेशन आई हैं, नहीं, 4,000 एप्लीकेशन आई हैं, तो 4,000 × 20 रुपये एप्लीकेशन, 50 रुपये एप्लीकेशन पर थे, तो 2 लाख रुपये प्राप्त हो गए। लाइन हमारी बंद हो गई। फिर इन पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 2 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट। लाइन हमने ये क्लोज कर दी, सिंपल। थर्ड एंट्री देखेंगे। अब अलॉटमेंट का पहले हम ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यानी लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो 20 रुपये हैं अलॉटमेंट पे, तो 4,000 × 20, तो 80,000 रुपये ड्यू हो गए अलॉटमेंट पर। अब ये प्राप्त होंगे तो बैंक से प्राप्त हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये 80,000 रुपीज़ प्राप्त हो गए कंपनी को, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और एंट्री अकाउंट लाइन बंद हो गई, सिंपल। अब हम फर्स्ट कॉल की बात करेंगे। फर्स्ट कॉल पे क्या होगा, फिर ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गई। देखिए 4,000 शेयर हैं, 20 रुपये थे तो 4 दूनी 80,000 रुपये हमारे ड्यू हो गए फर्स्ट कॉल पे मिलने के लिए। सिंपल है, पहली वीडियो में भी हमने ये एंट्री बनाई थी इस तरह की। अब ये प्राप्त हो जाएंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और ये अब देखिए समझने की बात यहाँ ये आ रही है कि क्वेश्चन में लिखा है कि जिस पे 100 शेयर हैं 100 शेयर पे फर्स्ट और फाइनल कॉल प्राप्त नहीं हुई है। तो जब पैसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर आ जाती है, कॉल्स इन बीच में आएगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यानी कि जो 80,000 रुपये हमारे आने हैं उसमें से जो 100 शेयर हैं उस पे उसने 20 रुपये नहीं दिए, तो 2,000 रुपये नहीं दिए, तो आएंगे कितने? समझने की बात है, देखिए 80,000 थे, 2,000 नहीं आए, तो 78,000 बैंक में प्राप्त हो गए। और लिख दिया जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? अब 100 शेयर्स पे नहीं मिले तो 3,900 शेयर्स पे मिले एट द रेट ₹20 पर शेयर। और ये एंट्री हमारी क्लोज हो गई। अब फर्स्ट सेकंड कॉल बनाते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल या फाइनल कॉल जो भी लिख रहा हो प्रश्न में वो लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10 रुपये का है सेकंड कॉल, तो 10 यानी कि 4,000 × 10 तो 40,000 रुपये आने चाहिए बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब फाइनल कॉल वाला प्राप्त हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फिर देखिए वही 100 शेयर जो उस पे थे, जो उसने फर्स्ट भी नहीं दी थी सेकंड भी नहीं दी, तो यानी कि जो बैंक में प्राप्त होंगे वो फिर 3,900 शेयर्स के प्राप्त होंगे, 3,900 × 10 रुपये के हिसाब से प्राप्त होंगे 39,000। और कॉल्स इन एरियर्स में हम यहाँ लिख देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 100 शेयर्स पे 10 रुपये प्राप्त नहीं हुए तो 1,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए, और टोटल ये 40 हैं, देखिए टोटल भी ये 40 आ रहा है, दोनों डेबिट और क्रेडिट बराबर आने चाहिए। तो फिर लिख देंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 3,900 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, एक शेयर 10 रुपये का है फाइनल कॉल के लिए। सिंपल। अब कंपनी कह रही है कि क्योंकि ये 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला तो इन शेयर्स को जब्त कर लिया जाएगा, कंपनी इनको ख़त्म कर रही है, जब्त कर रही है, तो जब्त करने की एंट्री हम बनाएंगे। तो देखिए जब कैपिटल, देखिए हर जगह कैपिटल क्रेडिट में आ रहा है, यहाँ क्रेडिट में है, ऊपर क्रेडिट में है, तो अब क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं तो उल्टी एंट्री बन जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए 100 शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, एक एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का है, तो यानी कि 10,000 रुपये कैंसिल कर दिए गए, 10,000 रुपये के शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। टू हम यहाँ पे लिखते हैं फोरफिटेड शेयर्स, जितना उन्होंने पैसा दे दिया, उन्होंने पैसे कितने दे दिए? देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, और यहाँ पे लिखते हैं हम कॉल्स इन एरिया, यहाँ पर लिखते हैं हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब हो गया, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट बना रखा है तो जितना नहीं मिले यहाँ लिखेंगे, जितने मिल गए यहाँ लिखेंगे। देखिए 1,000 रुपये यहाँ नहीं मिले और 2,000 यहाँ नहीं मिले, तो 3,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए, तो 3,000 नहीं हुए थे कॉल्स इन एरियर वाले यहाँ लिख दिए, तो प्राप्त कितने हो गए? 7,000 प्राप्त हो गए। वैसे भी देख सकते हैं 100 शेयर्स पे उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया था और अलॉटमेंट दे दिया था, एप्लीकेशन 50 रुपये की थी
और अलॉटमेंट 20 रुपये की थी, तो 70 रुपये उन्होंने दे दिए तो 7,000 मिल गए। और 100 शेयर्स पे उन्होंने फर्स्ट कॉल 20 रुपये की नहीं दी और फाइनल कॉल सेकंड कॉल जो थी वो 10 रुपये की नहीं, तो 30 रुपये नहीं दिए उन्होंने। तो 30 रुपये गुणा 100 3,000 हो गए। तो देखिए 7 और 3 10, ये एंट्री इस तरह से हम फोरफेचर की एंट्री बनाएंगे। तो बीइंग 100 शेयर्स फोरफिटेड, ठीक है, ये एंट्री बन गया हमारा और लाइन क्लोज हो गई। तो इस तरह से ये हम अपनी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो बता दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा पहले। यहां पर आप देखेंगे अशोक लिमिटेड है, उसने 3 लाख इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपए का, प्रीमियम भी 2 रुपए का है उसमें, दो पेबिल है, 3 तो एप्लीकेशन पर है, 5 अलॉटमेंट पर है जिसमें प्रीमियम भी है, और बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स यानी इक्वल अमाउंट में। तो यानी कि एप्लीकेशन पे इनके रुपए कितने हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पे 5 रुपए हैं जिसमें से प्रीमियम भी है, प्रीमियम है 2 रुपए, तो यानी कि टोटल 5 रुपए हैं ये। तो इसमें 3 असली हैं प्लस 2 रुपए का प्रीमियम है नहीं। और फर्स्ट और सेकंड कॉल कह रहे हैं जो बचे हुए हैं 5 हो गए, अब बैलेंस है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बराबर, यानी कि 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 10 और 2 12 रुपए मिलने चाहिए। अभी 5 और 3 8 हो गए, तो 4 रुपए रह गए बराबर बराबर, तो 2 इधर और 2 इधर हो गए, यानी फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए सेकंड, तो टोटल हो गया आपके 12 रुपए, यानी कि 10 प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम है, ठीक है। तो टोटल 12 रुपए इस तरह से आ जाएंगे। एप्लीकेशन आई हैं 4 लाख की, बताइए 4 लाख की एप्लीकेशन आई है, उन्होंने प्रो रेटा अलॉटमेंट मीन्स प्रोपोर्शनली दे दिए गए हैं, यानी कि जिसने 4 लाख अप्लाई करे उन्हें 3 लाख दे दिए, तो जिसने भी 4 शेयर अप्लाई करे 4 के हिसाब से 3 शेयर उसको दे दिए गए। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो था, भाई 3 लाख शेयर हैं, 4 लाख एप्लीकेशन, तो 1 लाख एप्लीकेशन का पैसा फालतू आ गया, उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, कि अलॉटमेंट के टाइम से उनसे कम कम ले लेंगे पैसे। एक मुकेश हैं जिन्होंने जिनको 800 शेयर्स मिले थे, फेल टू पे बोथ दी कॉल्स, उन्होंने कॉल्स का पेमेंट नहीं करा और उनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया सेकंड कॉल के बाद, सिंपल। तो ये एंट्री हम बनाएंगे। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि समस्या ना हो जब हम आंसर निकालें तो क्वेश्चन आपके पास रहे। तो इन द बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड कंपनी है ये, उसकी खाते में हम ये अकाउंट्स बनाएंगे, मतलब जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे। तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए हैं, तो पहली एंट्री तो सिंपली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए 4 लाख एप्लीकेशन आई थी और 3 रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए की हो गई, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सिंपल। दूसरा इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखिए एप्लीकेशन तो असली तो इशू करी है 3, लेकिन आई है एप्लीकेशन 4, शेयर इशू कर रहे हैं 3 लाख, तो 1 लाख का पैसा फालतू आ गया, 1 लाख गुणा 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए फालतू आ गए, उनको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे कि अलॉटमेंट के टाइम पर उनको नहीं देंगे हम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं अलॉटमेंट में पैसे को। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो असली वाले आएंगे और कुछ हमारे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे। तो देखिए 12 लाख रुपए टोटल हैं ये, तो अब हम क्या करें, 1 लाख रुपए गुणा 3 रुपए, नहीं मतलब 3 लाख तो असली हैं, तो 3 लाख गुणा 3 तो 9 लाख तो इसमें हो गए, क्योंकि असली तो 3 लाख शेयर ही थे, और 1 लाख रुपए 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन जो है 3 रुपए के हिसाब से वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए 3 लाख,
3 और 3 12 लाख पूरे हो गए, अब हम अलॉटमेंट पे कम ले लेंगे। बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी, जो फालतू पैसा है, एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर हमने वो एडजस्ट कर दिए, ये हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, और लाइन हो गई हमारी क्लोज। तीसरा, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और लेकिन यहाँ पे देखिए प्रीमियम भी है 2 रुपए का, तो जब प्रीमियम आता है तो हमें टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखना पड़ता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी हमने, तो देखिए कितने रुपए आएंगे, 5 रुपए टोटल आने हैं, 5 रुपए आने हैं, अब 3 लाख रुपए पर आने हैं, तो 3 लाख × 5 15 लाख रुपए आने हैं, यानी 3 लाख एप्लीकेशन थी इंटू 5 रुपए अलॉटमेंट पे है, जिसमें से 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 3 लाख × 2 रुपए का प्रीमियम, 3 × 2 = 6 लाख, तो ये हो गए 9 लाख रुपए बचेंगे, वो हो जाएंगे यानी 3 लाख पर 3 रुपए के हिसाब से कैपिटल में चले गए 9 लाख, तो लाइन हमारी क्लोज हो गई, 9, 6, 15 लाख रुपए पूरे हो गए। अब ये हम प्राप्त कर लेते हैं, कंपनी प्राप्त कर लेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हमें प्राप्त हो गई। लेकिन कितने रुपए प्राप्त होंगे, देखिए 15 लाख रुपए आने हैं, लेकिन 3 लाख तो पहले ही आ चुके हैं, तो हमारे पास केवल 12 लाख रुपए प्राप्त होंगे, समझने की बात है। देखिए पहले ही, क्योंकि फालतू एप्लीकेशन आ गई थी तो उनका पैसा फालतू हो गया था, वो हमने अलॉटमेंट पे कह दिया कि वह अलॉटमेंट में आप मत दीजिएगा, अभी हम आपके पैसे रख लेते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए अलॉटमेंट में हमने 3 लाख रुपए एडजस्ट करे, तो अब 15 मिलने हैं, 15 में से 3 पहले मिल गए, तो 15 माइनस 3 करोगे तो 12 लाख रुपए आपको अब प्राप्त हो गए। ठीक, पांचवा पॉइंट, अब हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे पहले, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, 3 लाख रुपए एप्लीकेशन है, तो 3 लाख × 2 रुपए 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए प्राप्त होंगे, ड्यू कर दिए हमने। अब देख लेते हैं प्राप्त कितने हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन यहां पर एक आदमी था मुकेश, जिसपे 800 शेयर्स थे, वो उसने पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर्स हम लिख देंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब समझने की बात है, इस पे 800 शेयर्स थे, तो 800 × 2 रुपए नहीं मिले, तो 8 × 2 = 1600 रुपए प्राप्त नहीं हुए, टोटल कितने हैं ये 6 लाख, तो 6 लाख में 1600 प्राप्त नहीं हुए, तो कितने प्राप्त होंगे, 5,98,400 रुपए टोटल, 6 लाख बैठ जाएगा। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, अब ऐसी 7th entry बन जाएगी सेकंड कॉल के लिए, सेकंड कॉल के लिए फिर वही बन जाएगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 2 रुपए हैं, तो ये भी
3 लाख दूनी 6 लाख रुपए हो जाएंगे। तो बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू कर दिया हमने, अब प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट तो करना ही है, लेकिन कॉल्स इन एरियर भी करेंगे क्योंकि 800 वाले ने पैसा नहीं दिया है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, तो टोटल 6 लाख रुपए मिलने हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वही 1600 रुपये नहीं मिले क्योंकि 800 इंटू ये भी 2 रुपये की है, तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी 800 शेयर्स पे, सेकंड कॉल भी नहीं दे रहा, तो 1600 भी नहीं मिले, तो फिर वही मिल जाएंगे 598, 400 रुपये मिल गए और बाकी नहीं मिले 1600 रुपये। तो बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, लाइन क्लोज हो गई। अब कंपनी कह रही है कि इनके 800 शेयर्स को जब्त कर लिया गया, फोरफीट कर लिया गया, कैंसिल कर दिए गए इनके, जब्त कर लिया शेयर्स को, तो फिर एंट्री अपोजिट हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर देखिए समझने की बात है, क्योंकि 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये प्रीमियम थे, 12 रुपये प्रीमियम का पैसा ऊपर वो अलॉटमेंट पर पे कर चुके हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। अगर प्रीमियम का पैसा वो पे कर चुके हैं तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान में नहीं देंगे क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो सकते, तो प्रीमियम के पैसा प्रीमियम में ही रहेगा, उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा दे चुके हैं तो अब हम उसको भूल जाएंगे, उसको हम इस एंट्री में यूज नहीं करेंगे। तो शेयर 10 रुपये का ही माना जाएगा, तो 800 शेयर्स थे हमारे पास और 10 रुपये के हिसाब से 8000 रुपये हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मीन्स जितना पैसा नहीं दिया, 1600 ये नहीं दिया, 1600 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो 3200 रुपये नहीं मिले, और टू शेयर्स फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड अकाउंट मीन जितना उन्होंने दे दिया, तो जब 8000 में से 3200 नहीं दिए तो 4800 उन्होंने दे दिए, सिंपल बात है। वैसे भी देख सकते हैं 800 में उन्होंने 2 फर्स्ट कॉल और 2 सेकंड कॉल के 4 रुपये नहीं दिए, तो कितने दे दिए, 6 रुपये दे दिए, क्योंकि 3 रुपये थे आपके फर्स्ट प्रीमियम एप्लीकेशन पर और 3 रुपये थे अलॉटमेंट पर, तो 6 रुपये उन्होंने दे दिए, 4800 दे दिए। तो बीइंग 800 शेयर्स फोरफिटेड, सिंपल, देखिए कितना इजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है समझने के लिए, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा प्रिंट हल्का है इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। यहां पर आप देखेंगे एक्स लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे थे 10 रुपये वाले 10% डिस्काउंट पर, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 5 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल पर, यानी कि 5, 3, 8 और 10, टोटल 10 रुपये हैं, 10 रुपये का शेयर है लेकिन डिस्काउंट है 10% का, तो 10% डिस्काउंट हम अलॉटमेंट पे मानते हैं, लिख भी रहा है डिस्काउंट इज ऑन अलॉटमेंट, तो यानी कि 3 रुपये हैं, तो यहाँ पर 10% 10 रुपये का 1 रुपया होता है, तो यानी कि जब आपको पैसे प्राप्त होंगे, ये 2+1 है एक तरीके से, तो 2 रुपये आपको मिलेंगे, 1 रुपये डिस्काउंट का नहीं मिलेगा। एक मिस्टर वाई हैं जिनके पास 1000 शेयर्स हैं, उन्होंने कॉल मनी पे नहीं करी, यानी कि ये कॉल मनी 5 रुपये नहीं दी उन्होंने, और उनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया, ठीक है। तो ये एंट्री हमें बनानी है, ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल, कोई भारी बात नहीं है। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं, मतलब जनरल एंट्रीज बनाते हैं, ये इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कंपनी है ये। पहली एंट्री तो आप जानते ही हैं, पैसा एप्लीकेशन का मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास 2000 यानी 20,000 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, तो 20,000 पे 2 रुपये एप्लीकेशन के मिल गए, तो 40,000 रुपये प्राप्त हो गए। यानी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो 20,000 शेयर हैं और 2 रुपये एप्लीकेशन के हैं, तो 20,000 × 2 40,000 रुपये हो गए। एप्लीकेशन मनी को हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हमने, ये लाइन क्लोज हो गई 40,000 रुपये। तीसरी एंट्री अब कब बनाएंगे हम, अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, लेकिन इसमें देखिए डिस्काउंट है अलॉटमेंट पर, तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा हमें। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट देखिए आप, मैंने आपको वीडियो में अभी आपने देखा था शुरू में क्वेश्चन में, 3 रुपये का अलॉटमेंट है, तो 3 रुपये के हिसाब से 20,000 × 3, तो 20,000 × 3 के हिसाब से 60,000 रुपये आपको मिलने चाहिए, लेकिन क्योंकि डिस्काउंट तो उसमें 1 रुपये का है, 10% है 10 रुपये का, तो 1 रुपया हो गया, तो 20,000 × 1 20,000 रुपये, और 2 रुपये फिर आपके असली बच गए, 20,000 × 2 रुपये जो अलॉटमेंट में मिलेंगे, यानी कि 40,000 रुपये, और 20,000 × 1 कर देंगे तो 20,000 रुपये एक का 20,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो टोटल हो गए 60,000 रुपये। अब हम प्राप्त कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन अब हमें देखिए केवल 40,000 रुपये ही प्राप्त होंगे, क्योंकि डिस्काउंट तो छूट दे दी हमने, तो 60,000 में से 20,000 छूट गए, तो शेयर होल्डर जो अंशधारक हैं वो केवल हमें 40,000 रुपये ही देंगे, ये समझने की बात है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पांचवा, अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 शेयर हैं और फर्स्ट और फाइनल कॉल एक ही है, तो फर्स्ट एंड फाइनल भी लिख सकते हैं, फाइनल कॉल 5 रुपये की है, 20,000 × 5 1,00,000 रुपया आपको मिलना चाहिए, ड्यू कर दिया हमने, यानी 20,000 एप्लीकेशन मतलब 20,000 शेयर है इंटू 5 रुपये, तो 1,00,000 हो गया। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, अब हम इसको प्राप्त कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन एक आदमी मिस्टर वाई हैं जिनके पास 1,000 शेयर्स हैं, उन्होंने ये कॉल नहीं दी, तो 1,000 पे पैसा नहीं मिल पाया, तो उसको हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स में डाल देंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, इस पर 1,000 शेयर हैं और 5 रुपये की क्योंकि कॉल है, तो 5,000 रुपये प्राप्त नहीं होंगे, तो 5,000 ये प्राप्त नहीं होंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी जब फाइनल कॉल मतलब पहली और आखिरी कॉल यही है, अकाउंट हो गया, 1,00,000 रुपये मिलने थे, 5,000 नहीं मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 95,000 रुपये मिलेंगे, सिंपल है। तो बीइंग
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब हम क्या करें, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि उन्होंने उनको फोरफीट कर लिया, इनको शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया, कैंसिल कर दिए गए। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम फोरफीटर की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, 1000 एप्लीके 1000 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर है तो 10,000 रुपए टू जो डिस्काउंट था डेबिट था अब क्रेडिट में चला जाएगा, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक रुपए का था 1000 इंटू एक, 1000 रुपए डिस्काउंट के कैंसिल हो गए, टू शेयर्स हमारे फोरफिट हो जाएंगे, टू फोरफिटेड शेयर्स, जो पैसा उन्होंने चुका दिया। देखिए एप्लीकेशन के 2 रुपए उन्होंने दे दिए, ठीक है, और अलॉटमेंट के 2 रुपए दे दिए तो 4 रुपए उन्होंने दे दिए, तो 1000 × 4 रुपए उन्होंने दे दिए हैं तो 4000 उन्होंने दे दिए, और टू कॉल्स इन एरियर जो नहीं दिए, कौन से नहीं दिए, 1000 पे 5 रुपए नहीं दिए, है नहीं, 5000 रुपए नहीं दिए उन्होंने, तो 5000 ये इधर चले गए, तो 5, 4, 9, 10 टोटल 10 10 बराबर हो गए, लिख देंगे बीइंग 1000 शेयर्स फोरफिटेड, ठीक, और हमारी एंट्री क्लोज हो गई। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे री इशू की एंट्री, ये जो शेयर्स हैं इनको कैंसिल कर दिया गया है, जब्त कर लिए गए, तो अब हम इनको किसी और को इशू कर देंगे, तो अब हम री इशू कहते हैं उसे, कि दोबारा इशू कर रहे हैं उसको, जो जब्त हैं हरण कर लिए गए शेयर उनका पुनः निर्गमन कर रहे हैं, पुनः दोबारा उन्हें री इशू कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पुनः निर्गमन हम कर रहे हैं। अब हम उसके लिए पहले जनरल एंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी बनेगी, फिर हम उसके भी न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम देखेंगे फोर फीचर के बाद, अब हम देखेंगे रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, जो कि जो शेयर्स कैंसिल हो गए उन्हें हम किसी और को रीइशू कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रीइशू, कि जो शेयर्स कैंसिल हो गए अब हम उनको आगे किसी और को इशू कर सकते हैं, तो हम उनकी एंट्रीज अब हम देख लेते हैं। पहली एंट्री बनती है कि फोरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट पार, यानी कि जो कैंसिल हुए हैं उन्हें हम एट पार, यानी कि 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए पर ही हम दे रहे हैं, तो सिंपल एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, की जितना पैसा आएगा बैंक में आ जाएगा 10 रुपए के हिसाब से, जितने भी शेयर कैंसिल हुए थे उन्हें हमने दोबारा रीइशू कर दिया। हम कम भी इशू कर सकते हैं, ज़्यादा भी, मतलब उतने भी इशू कर सकते हैं, यानी कि मान लो हमारे 500 शेयर्स कैंसिल हुए थे तो हम 500 भी रीइशू कर सकते हैं, 500 से कम भी कर सकते हैं, तो जितने भी इशू करे हैं दोबारा से उनकी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो फिर नॉर्मल एंट्री फिर बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर हम देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, पूरा का पूरा पैसा एक बार में ही हम ले लेते हैं शेयर होल्डर से, जो भी शेयर खरीदना चाह रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट बन जाएगी। तीसरी है, अब देखिए समझने की यहाँ पर बात आ रही है, तीसरा है डिस्काउंट पर, फोरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट पर हम अगर इशू कर रहे हैं इस समय, लेकिन पहले वो जो शेयर इशू हुए थे वो पार या प्रीमियम पे हुए थे, पहला पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, इफ़ शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड एट पार और प्रीमियम, यानी कि पहले वो पार और प्रीमियम पे इशू हुए थे लेकिन अब हम उसे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो देखिए एंट्री समझने की बात है यहाँ पे क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे जो पैसा प्राप्त होगा हमसे, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट करेंगे जो हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, फोरफिटेड शेयर्स के नाम से लिखेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा कि डिस्काउंट पर है और टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। लेकिन ये वो एंट्री बनेगी अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, लेकिन पहले जब पहली बार वो इशू हुए थे तब वो पार पे यानी कि सेम वैल्यू पे या प्रीमियम पे फालतू पे इशू हुए थे। दूसरा पॉइंट नीचे दे रखा है, देखिए शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, कि पहले भी वो डिस्काउंट पे इशू हुए थे और अब भी हम उसे डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे जो प्राप्त होगा रुपए हमें वो लिख देंगे, फोरफिटेड शेयर्स
यानी कि जो रीइशू डिस्काउंट है, जो इस समय डिस्काउंट है, उसमें से पुराना वाला डिस्काउंट, क्योंकि अगर अब ज़्यादा है डिस्काउंट तो हम पुराना वाले अब वाले डिस्काउंट में से पुराना वाला डिस्काउंट माइनस करके वो लिख देंगे, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, और जो ओरिजिनल डिस्काउंट है इसमें वो आ जाएगा। तो जो अगर मान लीजिए जैसे कि पहले हमने 2 रुपये पे ही 2 रुपये का डिस्काउंट था, अब 3 रुपये का है, तो 1 रुपये तो ऊपर आ जाएगा फोरफिटेड शेयर्स में, और डिस्काउंट में 2 रुपये आ जाएंगे और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री बन जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है कि पहले भी वो डिस्काउंट पर थे, अब भी डिस्काउंट पर है। पहले 2 रुपये, पहले कह लीजिए पहले 2 रुपये थे, अब 3 रुपये हैं, तो पहले 2 रुपये थे और अब 3 है, तो 1 रुपया बढ़ गया, तो वो फोरफिटेड शेयर्स में 1 रुपया आ जाएगा और डिस्काउंट में वो 2 रुपये आ जाएंगे, और ये एंट्री हमारी बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है। अब हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, तब हम आप और अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर जो फोरफिटेड शेयर्स के जो पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो क्रेडिट थे सारे, उनको हम डेबिट कर देंगे। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जब हम एंट्री बनाएंगे तब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लिख लीजिए इसको कि फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। वो अब हम देखेंगे कि अब हम न्यूमेरिकल एंट्री, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं, जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो हम अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 10,000 कंपनी शेयर इशू कर रही है, 10 रुपये का एक है, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर रही है, जिसमें 2 एप्लीकेशन पर, 2 अलॉटमेंट पे, 3 प्रथम फर्स्ट कॉल पर, 3 सेकंड कॉल पर है, ठीक है। तो यानी कि टोटल 10 रुपये हो गए। कंपनी ने 9,000 एप्लीकेशन प्राप्त करी है, 10,000 की जगह लोगों ने अप्लाई नहीं करा ज़्यादा, तो 9,000 ही अप्लाई हो पाई और सारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई और सारा पैसा मिल गया। लेकिन फर्स्ट कॉल पे 200 रुपये नहीं मिले, 200 रुपये अंशु का प्रथम पे नहीं मिल पाए, और ये शेयर्स फोरफिट कर लिए गए बिफोर द फाइनल कॉल, यानी कि फाइनल कॉल से पहले ही फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो तभी उन्हें कैंसिल कर दिया, जब्त कर लिए गए, सेकंड कॉल नहीं करी गई। और जब फाइनल कॉल हो गई उसके बाद इन्हें किसी दूसरे को रीइशू कर दिए गए 9 रुपये के हिसाब से, यानी कि 10 रुपये का शेयर था तो 1 रुपये का डिस्काउंट के साथ उन्होंने किसी और को रीइशू कर दिए। आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, जिससे कि मैं ये हटा दूं तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, एंट्रीज बनाएंगे। पहली एंट्री क्या बनेगी, पहले तो पैसा ही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये हमारे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 9,000 शेयर्स, क्योंकि 9,000 शेयर्स ही थे हमारे और ये हमें एप्लीकेशन प्राप्त हो गया। तो 9,000 इंटू 2 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये प्राप्त हो गए। फिर दूसरी एंट्री बनेगी, इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए 18,000 रुपये, तो 18,000 ट्रांसफ़र हो गए बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री अब हम अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट भी 2 रुपये का ही है, तो यही एंट्री एक तरह से फिर आ जाएंगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमने ड्यू कर दी, 9,000 एप्लीकेशन ही है, 2 रुपये का फिर ये अलॉटमेंट का पैसा है, तो 18,000 रुपये फिर हो गए। और बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिए गए, कितना हमें प्राप्त होगा। चौथी एंट्री बनेगी, अब हमें प्राप्त हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमें प्राप्त हो गए 18,000 रुपीज। तो लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी
रिसीव्ड, तो ये हमें प्राप्त हो गए। अब हम फर्स्ट कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल जो है वो 3 रुपए की है, तो पहले हम ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 9000 इंटू 3 यानी कि 27000 रुपये आने चाहिए, हमने इतने ड्यू कर दिए। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 9000 शेयर्स, अब हमें ये प्राप्त हो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन पैसा हमें 200 शेयर्स पे प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर आ जाएगा बीच में, अकाउंट डेबिट, तो 200 शेयर्स हैं, 3 रुपए नहीं मिले, तो हमें 600 रुपए प्राप्त नहीं हुए, 27000 मिलने थे, 9000 शेयर थे तो 8800 पे ही प्राप्त हुए 3 रुपए, और तो 26400 रुपए ही प्राप्त हो सके। ये समझने की बात है, देखिए कॉल से एरर आ गया कि पैसे प्राप्त नहीं हुए, तो फिर हम क्या लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 8800 शेयर्स। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन्होंने इनको फोरफीट कर लिए, यानी कि अभी इन्होंने इसको कैंसिल कर दिए क्योंकि सेकंड कॉल नहीं कर रहे थे अभी वो, तो लेकिन इनका पैसा नहीं मिला तो इनको अभी ही जब्त कर लिए गए। तो जब जब्त करते हैं तो आपने पिछली बार एंट्री बनाई थी, याद होगा अभी आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी देखिए कितने 200 शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम यहाँ पे कितने रुपए मांगे चुके हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, यानी कि 2, 2 और 3 यानी कि 4 और 3 7 रुपए अभी इन्होंने मांगे हैं, तो 7 रुपए से ही करेंगे, पूरे 10 रुपए से नहीं करेंगे, जितने अभी कॉल करे हैं उन्होंने अभी 7 रुपए ही मांगे हैं पब्लिक से, तो अभी 7 रुपए के हिसाब से 1400 रुपए की कैपिटल कम हो गई। और टू फोरफिटेड शेयर्स, यानी जितने उन्होंने पैसे दे दिए, पैसे कितने दे दिए उन्होंने अभी तक, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 4 रुपए दिए हैं उन्होंने, तो 4 रुपए दिए हैं तो 200 × 4 रुपए उन्होंने दे दिए हैं, तो 800 रुपए दे चुके हैं। और टू कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर यानी कि ये 200 × 3 रुपए इन्होंने अभी नहीं दिए, तो वो 600 रुपए नहीं दिए, टोटल 1400 हो गया। तो बीइंग हम करेंगे बीइंग 200 शेयर्स फोरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, और ये लाइन हमारी बंद हो गई। अब देखिए सिंपल बात हो गई, बिल्कुल सिंपल हो गया, फोरफीट हो गए शेयर्स हमारे। अब इन्होंने सेकंड कॉल कर ली, अभी ये दोबारा से किसी को नहीं दिए, लेकिन अब उन्होंने सेकंड कॉल कर ली है, तो जब सेकंड कॉल करेंगे तो हम फिर ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए समझने की बात है कि हमारे पास अब शेयर्स कितने रह गए, 8800 शेयर्स रह गए हैं, पहले तो 9000 से बन रही थी एंट्रीज, लेकिन 200 तो ये जब्त कर लिए, खत्म हो गए 200, तो अब हमारे पास बचे हैं 8800 इंटू 3 रुपए इनके सेकंड कॉल पर हैं, तो यानी कि 26400 रुपए ही मिल पाएंगे। तो बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू हो गई। अब ये पैसे प्राप्त हो जाएंगे इनको, तो पैसे तो प्राप्त यहाँ पर हो ही रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, तो 26400 इनको ये प्राप्त हो गए। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड यानी प्राप्त हो गए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब 10वीं एंट्री क्या बनेगी, अब इन्होंने क्या करा है कि
वो जो शेयर्स थे 200, वो किसी को रीइशू कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं 9 रुपए के हिसाब से। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, अब देखिए इशू कर रहे हैं तो फिर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 200 × 9 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए प्राप्त होंगे इनको। जो डिस्काउंट है वो इधर आ जाता है, फोर फीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, भाई 200 × 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया 200 रुपए, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, यानी 200 × 10 रुपए का शेयर है तो 2000 रुपए इधर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग 200 इक्विटी शेयर्स रीशूट एट द रेट ₹9 पर शेयर। अब यहाँ पर फिर एक बात समझने की आ रही है, हमने एंट्री में जब हमने अभी थ्योरी पढ़ रहे थे, एंट्री सीख रहे थे, तो उसमें देखिए जो फोर फिटेड शेयर्स हैं उनका बैलेंस देखते हैं और उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए फोर फिटेड शेयर्स यहाँ पे क्रेडिट में हैं 800 रुपये, देखें आप फोर फिटेड शेयर्स 800 रुपये, और यहाँ पर अब फोर फिटेड शेयर्स आए 200 रुपये, तो जो 800 रुपये क्रेडिट के हैं 200 रुपये डेबिट में हैं, तो जो अंतर है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अंतर कितना हो गया 600 रुपये का, तो 600 रुपये देखिए क्रेडिट है, हम इनको बैलेंस कर देंगे तो डेबिट कर देंगे। फोर फिटेड, ये नई एंट्री है देखिए समझ लें, फोर फिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए गए 600 रुपये। देखिए 800 इधर हैं शेयर, फोर फिटेड शेयर्स ढूंढ लीजिए जहाँ भी हों, 800 इधर हैं जो हमने कैंसिल करे थे शेयर्स, वहाँ पे जब्त करे थे, तो 800 वो थे, अब रीइशू कर रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट है 200 रुपये, तो 800 और 200 का अंतर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 800 रुपये और यहाँ पे ये 200 रुपये, इन दोनों का अंतर हो गया 600 रुपये, यानी 800 − 200, तो 600 रुपये लिख दिया। तो हम क्या लिख देंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ, हम बैलेंस निकाल रहे हैं ऑफ फोरफीटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। समझ लें आप, जो ट्रांसफर शेयर फोरफीटेड का जो पैसा है उसको हमने शिफ्ट कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और हमारा क्वेश्चन ये पूरा हो गया। आप दोबारा इसको प्रैक्टिस करिएगा तभी आप समझ पाएंगे और आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा जिससे परेशानी ना आए। इसमें देखिए यहां पर केवल हमसे फोर फीचर और रीइशू की एंट्री पूछी है, पूरा क्वेश्चन करने को नहीं कहा गया है। यहां पर देखिए दे रखा है कि डायरेक्टर्स ने 200 शेयर्स फोरफीट कर लिए नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 20 रुपए, 20 रुपए की फाइनल कॉल थी वो पेमेंट नहीं करा इन्होंने, तो इसलिए शेयर्स फोरफीट कर लिए गए, और दीज शेयर्स ऑफ ₹100 ईच हैं, ये कितने के हैं 100, एक शेयर 100 रुपए का है, दीज शेयर्स ऑफ ₹100 वर रीशूड एट टू बी, बी को दे दिए प्रीमियम 10 रुपए पे, 10 रुपए के प्रीमियम पर दे दिए गए, यानी कि 110 रुपए के दे दिए जाएंगे। गिव द जनरल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग फोर फीचर एंड रीशू, केवल फोर फीचर और रीशू की एंट्री बनानी है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है इसमें, तो सिंपल बनानी है, देखिए यहीं बन जाएगी ये, तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, लेजर फोलियो अमाउंट और अमाउंट, ठीक है रुपीस में। अब देखिए हमें क्या करना है, पहली एंट्री पहले फोर फीचर की बनाएंगे, तो फोर फीचर के आप सीख गए हैं क्या बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, कितने शेयर 200 शेयर्स हैं और हमने 100 रुपए का एक शेयर है, तो 200 × 100 कर दिए तो 20,000 रुपए ये हो गए, और टू फोर फीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट हो, मतलब क्रेडिट हो गए, और टू कॉल्स इन
एरियल। तो देखिए 200 शेयर्स पे इन्होंने 20 रुपए नहीं दिए, तो 20 यानी कि 80 रुपए तो दे दिए, जब 100 रुपए का था तो 16,000 तो इधर हो गए, और कॉल सीनियर में 20 रुपए नहीं दिए तो 200 × 20 4,000 रुपए नहीं दिए, तो 20 पूरे 16,000 20,000 हो गए। तो बीइंग 200 शेयर्स फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, यानी फाइनल कॉल मतलब सेकंड कॉल उन्होंने नहीं दी, लाइन बंद हो गई। अब इनको इन्होंने किसी बी को दे दिए, किसी दूसरे को रीइशू कर दिए। जब दूसरे को रीइशू कर रहे हैं ये, तो वो 10 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी कि बैंक अकाउंट में पैसे ज्यादा आएंगे, बैंक में ज्यादा पैसे आएंगे, 200 शेयर्स हैं और 110 रुपए आएंगे, क्योंकि 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम है, तो 22,000 रुपए इनको प्राप्त होंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिंपल, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम पे दे रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखिए 200 शेयर्स इंटू 10 रुपए का प्रीमियम, 200 × 100 रुपए के शेयर है, तो 200 ये 20,000 रुपए ये हो गए, और 2,000 रुपए का इनका प्रीमियम हो गया। बीइंग 200 शेयर्स रीशूड टू बी, बी को दे दिए एट द रेट रुपीज 110, और लाइन बंद हो गई, सिंपल। अब हम फोरफिटेड शेयर्स को, अभी हमने पिछले सवाल में करा था, फोरफिटेड शेयर्स को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो फोरफिटेड शेयर्स जो हैं वो अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में देखिए यहां पे क्रेडिट में है 16,000, देखिए यहां पे फोरफिटेड शेयर्स जो हैं ये 16,000 हैं और इधर कोई नहीं है, तो 16,000 माइनस जीरो को ही, और कहीं तो है नहीं, तो 16,000 माइनस जीरो कितने बचे, 16,000 ही बचे, तो ये 16,000 इन्होंने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो लिख देंगे बीइंग फोरफिटेड शेयर्स, या फोरफिटेड शेयर्स बैलेंस कह लीजिए, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लाइन हमारी बंद हो गई। इस तरह से देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और आराम से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, देखिए एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उन्होंने फोरफिट करे 200 शेयर्स, 10 रुपए का था, 5 रुपए प्रीमियम पे थे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 8 पर शेयर इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम, यानी कि जो प्रीमियम 5 रुपए था, तो 5 रुपए 8 रुपए का अलॉटमेंट है, तो यानी कि 3 रुपए का अलॉटमेंट होगा, 5 रुपए का इसमें प्रीमियम होगा, क्योंकि टोटल 8 रुपए है प्रीमियम के साथ। फर्स्ट कॉल भी नहीं दी 2 रुपए, और फाइनल कॉल भी 3 रुपए नहीं दी। अब 200 शेयर्स में से इन्होंने 125 शेयर्स किसी दूसरे को इशू कर दिए 9 रुपए के हिसाब से। तो पहले तो हम अपनी सिंपल एंट्री बना लेते हैं फोर फीचर वाली, तो सीरियल नंबर लिख देंगे, पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, जानते ही हैं आप, LF अमाउंट अमाउंट रुपीज रुपीज। पहली एंट्री देखिए फोर फीचर की बनाएंगे हम, तो देखिए फोर फीचर की बना रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा है, 200 शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि 200 × 10 रुपए का एक शेयर है, तो 2,000 रुपए हो गए। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी नहीं चुकाया, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे था और उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया, तो नहीं चुकाया, तो हम इसे लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो 200 × 5 रुपए का प्रीमियम है, तो 1,000 रुपए ये हो गए। टू
फोरफीटेड शेयर्स, जितना उन्होंने चुका दिया, और जो नहीं चुकाया वो चला गया कॉल्स इन एरियर्स में। सिंपल। देखिए उन्होंने क्या क्या नहीं दिया, 8 रुपए तो अलॉटमेंट के नहीं दिए, समझ लें बात को, हम यहां पे लिख लेते हैं अलग को, अलॉटमेंट के 8 रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के इन्होंने 2 रुपए नहीं दिए, सेकंड कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, टोटल शेयर 15 रुपए का है, 10 और 5 15, तो 8 और 2 10 और 3 13 तो ये हो गए, तो ये हो गए 13 रुपए नहीं दिए, प्लस एप्लीकेशन के 2 रुपए दे दिए, ये दे दिए इन्होंने, तो टोटल क्योंकि 15 रुपए करने हैं हमें तो 13 रुपए तो ये हो रहे, 2 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए, तो फोरफिटेड शेयर्स में आते हैं जो है दे दिए, तो 200 × 2 रुपए इन्होंने दे दिए, 400 रुपए इन्होंने चुका दिए, और 13 रुपए नहीं दिए, तो 200 × 13 2600 यहाँ आ गया, तो 2600 और 400 3000, और 2 और 1 3000 हो गए, तो 3 और 3 बैलेंस बराबर हो गया, तो क्या लिख देंगे, बीइंग 200 शेयर्स फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट, क्या क्या नहीं दिया, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। सिंपल हो गई बात, देख ले आप, समझ लें क्वेश्चन को, ये अमाउंट यहां पर हम लिख देते हैं समझने के लिए, जिससे कि पता रहे कि हमने अमाउंट कैसे निकाला है, तो 200 × 2 200 × 13 फोरफिटेड में वो आते हैं जो नहीं, जो दे दिए कॉल सीरियल में, वो पैसा आता है जो नहीं दिया, और यहां पर आता है टोटल अमाउंट कितना कितना। अब इनको हम रीइशू कर देंगे, किसी और को दे देंगे, लेकिन उन्होंने 200 में से केवल 125 ही किसी और को रीइशू करे हैं, तो पैसा तो आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 125 करे हैं 9 रुपए के हिसाब से, तो ये आपके 1125 रुपए आ गए, और 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, फिर तो वो फोरफिटेड के नाम से आता है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, यानी 125 × 1 रुपए के हिसाब से 125 रुपए हो गए, और टोटल हो गया 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दोनों को जोड़ लीजिए तो 125 और 0, ये पूरे 1250 रुपए हो गए, 10 रुपए का शेयर हो गया, 125 × 10, तो बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग 125 शेयर्स रीशूट एट द रेट ₹9। अब हम क्या करेंगे, इनको कैपिटल, फोरफिटेड शेयर्स के पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, देखिए आपको जानते हैं अभी पिछले सवालों में भी करा है, फोरफिटेड शेयर्स जो हैं उनको अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर लेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और बीइंग फोरफिटेड शेयर्स बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। लेकिन अब यहां पे देखिए नई चीज आ रही है, पिछले सवालों में जब हमने ट्रांसफर करा था तो जितने रीइशू करे, जितने जब्त करे उतने ही दोबारा से किसी और को दे दिए, तो बैलेंस बराबर बराबर हो गया, लेकिन यहां पर जो है ये 200 जो फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस है वो 400 है, वो 200 शेयर्स के हिसाब से है, तो क्योंकि 200 कैंसिल करे थे, लेकिन यहां पर फोरफिटेड शेयर्स जो है वो 125 शेयर्स के हिसाब से है, तो 200 पे है और 200 जब्त करे, 125 रीइशू करे, तो हमें भी जो फोरफिटेड शेयर्स हैं इसमें से केवल 125 का ही पैसा निकालना है, पूरे 400 में से 125 माइनस नहीं करेंगे हम, ये तो 200 पे 400 हैं, तो हमें 125 के हिसाब से देखना है कि कितने होंगे, ये समझने की बात है कि 200, क्योंकि जितने शेयर जब्त करे उतने ही रीइशू कर दो, तो जितना पैसा फोरफिटेड में से यहाँ कर यहाँ का अंतर देख कर हम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे ये 200 शेयर्स के लिए है और यहाँ पे फोरफिटेड शेयर से 125 शेयर्स का है, तो हमें यहाँ पे भी, क्योंकि बाकी 75 शेयर सभी इन्होंने दोबारा किसी को नहीं दिए, तो उसका फोरफिटेड शेयर्स का पैसा तो आएगा नहीं, तो ये 125 के हैं 125 रुपए, तो यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि ये 200 के हैं तो 125 के कितने होंगे, तो समझने की बात है, देखिए 200 शेयर्स पे कितने रुपए हैं फोरफिटेड शेयर के, 400, तो एक पे कितने होंगे, 400 बटे 200,
और हमें कितने पे चाहिए, 125 शेयर्स पे कितने होंगे, तो 400/200 गुणा 125, तो यहाँ है 250 रुपये, यानी कि 125 के हिसाब से 250 रुपये बैठेंगे। वैसे भी दिख रहा है कि 200 शेयर्स पे 400 हैं, यानी कि दुगने हैं, 200 पे 400, तो 125 के हिसाब से कितने होंगे, 125 के हिसाब से कितने होंगे, 250, तो 250 हो गए। अब यहाँ पर ये 125 पे कितने हैं, 125, तो 125 घटा दिए तो बैलेंस कितना बचा, 125 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बस कितना आसान है ये समझना है आपको, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ समझ में आएगी। तो केवल हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि फोर फीचर और री इशू की एंट्री कैसे बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लें पहले क्वेश्चन को, कॉपी कर लीजिए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहां पर है, एक लिमिटेड कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिए, मतलब प्रोस्पेक्टस में ब्रोशर होता है पूरा जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, 2500 शेयर्स के लिए इनवाइट करा एप्लीकेशंस को, 10 रुपये उसमें है और प्रीमियम 2 रुपये का है, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, उसमें प्रीमियम भी है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, सारे शेयर्स अप्लाइड हो गए, अलॉट हो गए, कंपनी को पैसा भी मिल गया, लेकिन एक 75 शेयर्स हैं अब्राहम के पास जिसने दोनों कॉल्स पे पेमेंट नहीं करा, तो वो उनके जब्त कर लिए गए, कंपनी ने वो रीइशू कर दिए किसी और को, भगवान जी को, एट द रेट 9 रुपये के हिसाब से। अब केवल सिंपल जनरल एंट्रीज हमें बनानी है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसान है। ए लिमिटेड कंपनी है तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड हम बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए पहले जिससे कि हट जाएगा, नहीं तो फिर समझ भी लेते हैं। देखिए कैसे कैसे दे रखा है, एप्लीकेशन पे हैं 2 रुपये, अलॉटमेंट पे हैं 5 रुपये, लेकिन इसमें प्रीमियम भी है 2 रुपये का, तो 2 और 3 तो असली प्लस 2 प्रीमियम के, तो वैसे 5 हो गए, और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल है आपकी 2 रुपये की और सेकंड कॉल है 3 रुपये की, तो टोटल 10 हो गया और ये प्लस 2 हो गए, तो टोटल 12 रुपये हो गए, तो 5, 2, 7 तो 9, 3, 12 हो गए टोटल। इसमें 2 रुपये किसके हैं, ये प्रीमियम के हैं, लेकिन जो अब्राहम है उसने ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिए, 75 शेयर्स हैं उसके पास, 75 शेयर्स हैं, उसने ये दोनों चीज़ें नहीं दी हैं, ठीक है। ये सिंपल बात है, आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को, देखिए वीडियो पॉज कर लें, कॉपी कर लें क्वेश्चन को, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं, जनरल एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है। देखिए जनरल एंट्रीज बनाएंगे हम सिंपल, पहली एंट्री जानते ही हैं, पैसा आएगा आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। हम पे कितने शेयर्स हैं, 2500 शेयर्स हैं, तो 2500 इंटू एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 2 रुपए की, तो हमारे पास 5000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, तो 5000 रुपये हमें प्राप्त हो गए। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने ऑन 5500 शेयर्स। अब हम दूसरी एंट्री बनाते हैं, इनको हम शिफ्ट कर देंगे यानी ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये 5000 शिफ्ट हो गए कहाँ, कैपिटल अकाउंट में, तो फिर लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम अलॉटमेंट का हमें पैसा मिलेगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम पे 2 रुपये प्रीमियम मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 2500 शेयर्स हैं,
इसमें से टोटल मिला के 5 रुपये का है तो 12 500 रुपये के हो गए, लेकिन 5 रुपये में 2500 शेयर्स पे 2 रुपये का प्रीमियम है और 3 रुपये असली हैं, तो 2500 × 2 2500 × 3 तो ये हो गया हमारा 5000 इधर हो गए और 7500 इधर हो गए असली, तो ये है 2 रुपये के प्रीमियम है। तो हम क्या लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2500 शेयर्स एट द रेट ₹5। फोर्थ एंट्री, अब हमें पैसा प्राप्त हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमें प्राप्त हो गया तो पूरे पैसे प्राप्त हो गए 12500 12500, और लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हमें प्राप्त हो गए। पांचवी एंट्री क्या बनेगी बताइए, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे हम, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले ड्यू करेंगे तो 2500 × 2 रुपये हैं तो 5000 रुपये प्राप्त होंगे, तो ये बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सिक्स्थ पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो 5000 रुपये प्राप्त होंगे, लेकिन देखिए 75 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, हम भूल गए, देखिए 75 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला था, तो कॉल्स इन एरियर आएगा बीच में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, तो देखिए हमें 2500 शेयर्स पे पैसा मिलना था 2 रुपये, लेकिन 75 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला, तो पूरे मिलने थे 5000, तो 75 शेयर्स पे नहीं मिले पैसे 2 रुपये, तो 150 रुपये हमें प्राप्त नहीं हुए, कितने नहीं हुए 150 रुपये, क्योंकि फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है और हमें ये पैसे प्राप्त नहीं हुए 150 रुपये, तो कितने मिले 2500 शेयर्स थे तो 2475 रह गए इंटू 2 रुपये, यानी कि 4850 रुपये ही प्राप्त हो सके, तो बीच में कॉल सीन एरियर आ जाएगा इसमें, तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब हम पहले क्या करेंगे, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर ये 3 रुपये की है तो 2500 × 3 तो 7500 रुपये आने चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव ड्यू, अभी हमने ड्यू कर रहे हैं और लाइन क्लोज हो गई, अब 8th पे आ गए, अब प्राप्त हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन हमें 2475 पे ही 3 रुपये मिलेंगे, 75 शेयर्स पे तो दिए नहीं, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 75 × 3 रुपये, तो 75 × करेंगे 3 तो कितना आएगा 225 रुपये नहीं मिले, और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, तो 7500 में से 225 रुपये प्राप्त नहीं हुए, तो 7275 रुपये ही प्राप्त हो पाए। ₹7275 ही हमें प्राप्त हो पाएंगे, ये समझने की बात है बस। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये 2425 शेयर्स हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे 2425 रुपये बचे हैं, ठीक है। अब बीइंग
सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। नौवां पॉइंट, अब क्या हो रहा है, सब फर्स्ट सेकंड कॉल सब हो गई, अब हम इनको कैंसिल करेंगे, जब्त कर रहे हैं शेयर्स को, फोरफीट कर रहे हैं। तो फोरफीचर की एंट्री जानते ही हैं आप, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर प्रीमियम का पैसा, समझ लें आप, प्रीमियम का पैसा पहले वो दे चुके हैं अलॉटमेंट पे, लेकिन केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, तो जो प्रीमियम था इसमें वो पहले दे चुके हैं, तो हम उसको अब इग्नोर कर देंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे, ये समझने की बात है। पिछले सवाल में देखें आप, तो जो सिक्योरिटीज़ का पैसा अलॉटमेंट पर नहीं दिया था पिछले सवाल में, तो हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी लिखा था यहाँ पे, डेबिट करा था, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटीज़ का पैसा दे चुके हैं, तो जो दे दिया उसको आप भूल जाइए, उसको इग्नोर कर दीजिए। तो अब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, पर 75 शेयर्स हैं, और शेयर्स कितने के हैं, ये 10 रुपये के हैं, तो 750 रुपये कैंसिल हो गए, लेकिन उसने दे कितने दिए, एप्लीकेशन पे 2 रुपये दे दिए और अलॉटमेंट पे 3 रुपये दे दिए, यानी कि 5 रुपये दे दिए, और 75 × 5 रुपये नहीं दिए, 2 फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए और 3 सेकंड कॉल पे नहीं दिए, तो आधे दे दिए, एक तरीके से आधे नहीं दिए, तो 375 दे दिए और 375 नहीं दिए, तो हम क्या लिख देंगे, बीइंग 75 शेयर्स फोरफिटेड। अब हम अगली एंट्री बना लेते हैं, इनको किसी और को इशू कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा, देख सकते हैं, ना कॉपी करा हो तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने 9 रुपए पर किसी और को दे दिए, तो फिर पैसा आ जाएगा इनके पास, बैंक अकाउंट डेबिट, तो 75 × 9 रुपए के हिसाब से आ जाएगा पैसा, लेकिन 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो ये आ गए फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 75 × 1 रुपए का डिस्काउंट 75 रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 75 × 10 रुपए, तो 750 रुपए ये हो गए, ठीक, 75 कम हो गए तो 675 रुपए हमें प्राप्त हो गए, तो बीइंग 75 शेयर्स रिशूड एट द रेट ₹9 पर शेयर। अब हम इनको, आप जानते ही हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, देखिए फोरफिटेड शेयर्स इधर है 375 रुपए, 75 शेयर्स पे ही 375 हैं, और इधर 75 शेयर दोबारा दे दिए, तो यहाँ पे केवल 75 रुपए हैं, तो इनका अंतर हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो ये हो जाएंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो देखिए 375 − 75 हो जाएंगे, 375 − 75 यानी कि 300 रुपये ये ट्रांसफर हो गए, तो बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, और लाइन हमारी बंद हो गई, बिल्कुल सिंपल है, देखिए समझ लें आप, प्रैक्टिस करिए, और कोई इसमें भारी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, पहले छोटा सा क्वेश्चन है, केवल फोरफीचर और रीइशू की एंट्री बनानी है हमें। देखिए 200 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, जो 5 रुपए प्रीमियम पे इशू करे थे, पेबल विद अलॉटमेंट वर फोरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, जो 9 रुपए का था और उसमें प्रीमियम भी है, यानी कि समझ लें अगर हम, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट 9 रुपए का है, 5 रुपए का प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट 9 रुपए का है, 5 रुपए प्रीमियम, तो असली कितने रुपए होंगे, 4 रुपए होंगे, 5 रुपए प्रीमियम, तभी तो 9 रुपए हो रहा है, ये प्रीमियम हो गया इसमें। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर नॉट मेड, अभी फर्स्ट और फाइनल कॉल तो उन्होंने करी नहीं है,
तो फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है उनकी, फर्स्ट और फाइनल एक ही है, वो 3 रुपए की है, तो टोटल ये तो 12 रुपए बैठ रहे हैं, और शेयर है 10 रुपए का और 5 रुपए का प्रीमियम, तो टोटल 15 रुपए होने चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब एप्लीकेशन पर 3 रुपए होंगे, तभी तो 12 और 3 15 बैठेंगे, तभी तो ये सब तीनों मिला के वो 15 हो गए। तो ये नहीं दिया इन्होंने, ये दे दिया, और इसको तो इन्होंने कॉल ही नहीं करा अभी, तो यानी कि इतने की कहानी है 9 3 12 रुपए तक की। ठीक है, तो हम यहीं बना लेते हैं जनरल एंट्री। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट रुपीस। ठीक है, पहली एंट्री पहले हम फोरफीचर कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं शेयर्स को, तो ये बनेगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए, इन्होंने प्रीमियम का पैसा और अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं दिया, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा गया था, तो हम प्रीमियम यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा हमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या लिखते हैं, फोरफिटेड शेयर जो दे दिए, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक, तो अब समझिए देखिए कैसे करेंगे, 200 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, लेकिन अभी देखिए इन्होंने केवल 3 रुपए एप्लीकेशन के और 4 अलॉटमेंट के ही मांगे हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल तो अभी करी नहीं है उन्होंने, तो केवल 7 रुपए इन्होंने मांगे हैं, तो जो मांगे जाते हैं वही लिखते हैं हम यहाँ पे, तो 200 × 7 तो ये हो गए 1400 रुपए। प्रीमियम में कितने आएंगे, 200 × प्रीमियम है 5 रुपए का, तो 1000 रुपए प्रीमियम के हो गए। फोरफिटेड शेयर्स देखिए, अभी केवल एप्लीकेशन दिए हैं उन्होंने 3 रुपए, तो 200 × 3 रुपए ही दिए हैं, तो 600 रुपए ही दिए हैं, और जो नहीं दिए वो कॉल सी नहीं रहोगे, 9 रुपए नहीं दिए, तो 9 रुपए नहीं दिए, 9 × 2 = 1800 रुपए नहीं दिए, तो टोटल बराबर आ जाएगा 2400। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल है, जो दे दिया यहाँ लिख दिया, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, और जो नहीं दिए 9 रुपए वो यहाँ पर लिख दिए। केवल हम 7 रुपए से कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल जो है वो, फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपए की है, वो इन्होंने अभी कॉल नहीं करी है। देखिए लिख भी रहा है, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर नॉट मेड, अभी करी नहीं है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जहाँ तक मांगे गए हैं पैसे वहाँ तक ही हम लेते हैं कैपिटल में, क्योंकि बाकी तो अभी कैपिटल बनी ही नहीं है। तो ये क्या लिख देंगे, बींग 200 शेयर्स फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, सिंपल। अब देखिए इन्होंने ये रीइशू कर दिए किसी को 14 रुपए के हिसाब से, यानी कि 10 रुपए का शेयर 14 में दे रहे हैं, यानी कि 4 रुपए का प्रीमियम कमा रहे हैं, ये देखना है हमें अब। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, 200 शेयर्स × 14 रुपए आएंगे, 2800 रुपए इनके पास आएंगे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए प्रीमियम कितना है, 200 × 4 रुपए का, तो प्रीमियम हो गया 800 रुपए का, और 200 × 10 रुपए का शेयर है ही, वो कैपिटल में चले गए 2000, तो 2800 रुपए पूरे हो गए। तो बीइंग 200 शेयर्स रीइशूड एट द रेट ₹14 ईच। तीसरी एंट्री पर आ जाते हैं, फिर मैंने आपको बताया था देखिए फोरफिटेड शेयर्स को हम शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, फोरफिटेड इधर देखिए और इसमें देखिए, तो इसमें ही है 600 रुपए, इधर नहीं है, तो 600 - 0 इधर तो कुछ है नहीं, तो 600 ही बचे, तो वो शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो 600 रुपए इधर आ गए वो। तो बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये शिफ्ट कर दिए, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई।
कितना आसान है देखिए, मैं फोकस उस पर ही कर रहा हूँ कि फोर फीचर और इशू कैसे बनाते हैं, क्योंकि शुरुआत वाली तो आपको आती हैं इशू ऑफ शेयर्स की, तो हम फोर फीचर और रीइशू पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिलेक्टेड पॉइंट्स लिए हैं इसमें। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन करने की। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं, ए लिमिटेड ने 3000 शेयर इशू करे, ₹10 का एक है, ₹10% डिस्काउंट, तो ₹10 का 10% ₹1 होता है, ₹1 का डिस्काउंट हो गया। ऑन दी शेयर्स पेमेंट कैसे कैसे करना है, दो एप्लीकेशन पे, दो अलॉटमेंट पे और 5 फर्स्ट और फाइनल कॉल, यानी कि 5, 2, 7, 2, 9 हो गए, यानी कि ₹1 का डिस्काउंट है, तो हम अलॉटमेंट पे मान लेते हैं कि यानी कि अलॉटमेंट ₹3 का होगा, तो ₹1 का डिस्काउंट होकर ₹2 मिलेंगे, डिस्काउंट मतलब छूट मिलेगी। ये बाकी हैं कोई जिनके पास 800 शेयर्स हैं, इन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, इनके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए और किसी और को 5% डिस्काउंट पे दे दिए गए। अब हमें जनरल एंट्रीज बनानी हैं, कैसे बनाएंगे फिर हम देखते हैं। देखिए पहले ये देख लेते हैं क्या क्या आइटम है। देखिए एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹2 मिलेंगे, यानी कि 3 के हैं, 1 डिस्काउंट हो गया तो ₹2 मिलेंगे। फर्स्ट और सेकंड कॉल पे हमारे हैं 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि एक ही है फर्स्ट एंड फाइनल, तो ₹5 ये हो गए, तो टोटल ₹9 हो गए, 5, 2, 7 तो ₹9 मिलेंगे, यानी कि 10 - 1, यानी कि ₹10 का शेयर है, ₹1 का डिस्काउंट है, तो ₹9 प्राप्त होंगे। लेकिन इस पर फर्स्ट और फाइनल कॉल 800 शेयर्स पे प्राप्त नहीं हुई, ये ₹800 पे ₹5 प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को, जिससे कि परेशानी ना हो, वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली एंट्रीज कब बनेगी, देखिए जानते ही हैं आप, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं, 3000 शेयर्स हैं, तो 3000 इंटू ₹2 एप्लीकेशन के, ₹6000 प्राप्त हो गए। बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दूसरा इनको हम शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ₹6 ट्रांसफर हो गए कैपिटल अकाउंट में। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट क्योंकि डिस्काउंट है अलॉटमेंट में, तो उसका भी ध्यान हमें रखना है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 2-3000 शेयर्स हैं, ₹3 का एक शेयर हम मान रहे हैं, तो 9000 बैठते हैं, ये ₹2 का ही है शेयर तो, लेकिन ₹3 के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो ₹2 ही ले रहे हैं। देखिए टोटल पहले अमाउंट देख लेते हैं क्वेश्चन में कितने लिख रहे हैं। देखिए ₹10 का है, तो शेयर्स टू बी मेड एज फॉलो, दो एप्लीकेशन पर, दो अलॉटमेंट पे, 5 फाइनल कॉल पर है, तो 5, 2, 7, 2 ₹9 हो गए, तो हमारे कितने मिलेंगे, तो ₹2 देखिए टोटल हैं, ₹2 के इस पे मिलेंगे और 3000 इंटू ₹1 का डिस्काउंट, तो 6000 ये हो गए, 1, 3000 ये हो गए, टोटल ₹3 का शेयर है, तो 3000 इंटू ₹3, ₹9000 हमारे कैपिटल में चले गए, जिसमें से 6 शेयर अलॉटमेंट के मिलेंगे और 3000 डिस्काउंट के नहीं मिलेंगे, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब ये प्राप्त हो जाएंगे हमें
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 6,000 ही प्राप्त होंगे क्योंकि बाकी तो डिस्काउंट मिल गया, छूट दे दी हमने। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पांचवी एंट्री क्या बनेगी? अब हम फर्स्ट कॉल करेंगे, फर्स्ट और फाइनल एक ही कॉल है इनकी, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये 5 रुपए की कॉल है हमारी, तो 3,000 × 5 तो 15,000 रुपये हमारे पास आने चाहिए, ड्यू कर दिए हमने 15,000 रुपये। तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल जब लिखा होता है नहीं, पहली और आखिरी एक ही है ये कॉल, मनी रिसीव्ड, नहीं रिसीव्ड नहीं, अभी तो हम ड्यू कर रहे हैं, ड्यू अब प्राप्त हो जाएंगे वो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं? देखिए 15,000 प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कॉल सीन एरियर भी देखना पड़ेगा क्योंकि पैसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में लिखे थे कि 800 शेयर्स पर पैसा प्राप्त नहीं हुआ, तो हम भूल जाते हैं। देखिए मैं दोबारा से एंट्रीज को फिर फ्रेश बना देता हूँ। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा नहीं मिला है, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए 800 शेयर्स पे पैसा प्राप्त नहीं हुआ, 800 × 5 4,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए, मिलने कितने थे 15,000 क्योंकि हमारे पास 3,000 शेयर्स, तो 2,200 शेयर्स पे ही पैसा मिल पाया 5 रुपये के हिसाब से, तो ये 11,000 रुपये हो गए आपके, समझ लें 15,000 थे, 800 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला 5 रुपये के हिसाब से, तो 4,000 नहीं मिले, 15 थे 4 नहीं मिले, तो बैंक में कितने मिले 11,000 मिले आपको। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, अब हम सातवीं एंट्री बनाते हैं। अब क्या बनेगी? देखिए अब वो रीइशू करेंगे किसी और को, तो जब रीइशू करेंगे तो क्वेश्चन में लिख रहा था कि उन्होंने 5% डिस्काउंट पे रीइशू कर दिए वो, तो पैसा प्राप्त होगा नहीं? पहले तो हमें फोरफीचर करने हैं इनको, फोरफीट करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फोरफीट करेंगे 800 शेयर जो हमें पैसा नहीं मिला, तो 800 × एक शेयर कितने रुपए का है 10 रुपए का है, तो 8,000 रुपए कैंसिल हो गए, टू फोरफिटेड शेयर्स जो उन्होंने चुका दिया, दे दिए अब तक शेयर वालों ने पैसे वो आएंगे, और जो नहीं दिए वो कॉल्स इन एरियर में आ जाएंगे। कॉल्स इन एरियर में तो आपको पता ही है 4,000 नहीं दिए, तो 4 नहीं दिए तो 4 ही दे दिए क्योंकि टोटल तो 8 आने हैं। ठीक, तो कॉल्स इन एरियर में हमारे 4,000 आ गए हैं, लेकिन फोरफिटेड जो शेयर्स हैं उसमें हमें कितने मिलने थे? मिलने तो थोड़े कम थे, तो वो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि अब देखिए समझने की बात यहाँ पर आ रही है, क्योंकि हम ये कैंसिल कर रहे हैं और ये पहले डिस्काउंट पे इशू हुए थे, तो डिस्काउंट का पैसा, डिस्काउंट भी पहले देखिए डेबिट में था डिस्काउंट, अब वो कैंसिल हो रहे हैं, तो टू डिस्काउंट नीचे आ जाएगा अभी आपका, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, समझ लीजिए, देखिए इसलिए करा रहा हूँ सवाल को। तो देखिए कितने रुपए हैं, 800 × 1 रुपए का डिस्काउंट था, तो 800 रुपये इधर आ गए, 4,000 ये प्राप्त हमें नहीं हुए, तो कितने मिल गए उनको, 3,200 रुपये आएंगे यहाँ पे फिर आपके, क्योंकि 8,000 में से 800 रुपये का तो डिस्काउंट ही हो गया था,
उन्होंने कितने दिए? केवल 3200 रुपये दिए। और वैसे भी आप देख सकते हैं 2 रुपये उन्होंने एप्लीकेशन के दिए शुरू में, 2 रुपये की एप्लीकेशन थी, 2 रुपये अलॉटमेंट में मिले, तो 4 रुपये ही मिल पाए, तो 800 × 4 ही मिल पाए, और 800 × 5 रुपये उन्होंने नहीं दिए क्योंकि सेकंड फर्स्ट और फाइनल कॉल 4 रुपये की थी, तो वो उन्होंने 5 रुपये की थी तो वो कॉल्स में नहीं दिए। तो तीनों हमारे मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, बीइंग 800 शेयर्स फोरफिटेड, फोरफिटेड मतलब जब्त कर लिए गए। अब ये इन्होंने किसी और को इशू कर दिए, वो भी 5% प्रीमियम के साथ, नहीं डिस्काउंट के साथ, 5% डिस्काउंट के साथ। अब देखिए बहुत समझने की बात है, पहले भी डिस्काउंट था और अब ये 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब पहले 1 रुपये का 10% डिस्काउंट था, 1 रुपये का था, 5% डिस्काउंट है, ये समझने की बात है। देखिए अब किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। तो अब हम आगे देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा प्राप्त होगा, 5% डिस्काउंट है 10 रुपये पर, तो 10 रुपये का 5% आप निकालेंगे तो 50 पैसे आएगा। पहले जबकि 10% डिस्काउंट था, केवल 5%, 50 पैसे आएगा, यानी कि 9.5 रुपये प्राप्त होंगे, 9.5 रुपये ही प्राप्त होंगे। तो देख लेते हैं, पहले बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, फोरफिटेड जो डिस्काउंट होता है वो इसमें आता है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं 800, तो 800 × 50 पैसे 400 रुपये, तो देखिए यहाँ आ गए। पुराना डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, पुराना वाला अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, 1 रुपये का डिस्काउंट था पहले, 800 × 1 तो 800 रुपये ये हो गए। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यानी कि 800 × 10 रुपये का तो शेयर है, तो ये हो गए 8000। तो बैंक में अब कितने आएंगे, पहला डिस्काउंट ये और अब नया डिस्काउंट ये, तो टोटल डिस्काउंट 1200 रुपये का हो गया, तो 6800 रुपये आपको प्राप्त होंगे। 8000 में से 400 और 800 घटा दीजिए तो बचे 6800, 8 × 4 = 1200 हो गए, 8000 में से 1200 घटा दीजिए 6800 प्राप्त हो गए। क्योंकि पुराना डिस्काउंट भी है और नया वाला भी डिस्काउंट है, तो यानी कि दोनों डिस्काउंट हमने यहां पे मान लिए हैं। देखिए लिख भी सकते हैं यहां पे, बीइंग 800 शेयर्स रीशूट एट रुपीज 8 रुपये 50 पैसे, 8 रुपये 50 पैसे हो गए, 1 रुपये ये कम हो गए, 50 पैसे हो गए, 10 में से 8.5 बचे, एट 5% डिस्काउंट हो गया विथ अर्लियर डिस्काउंट अलाउड, पुराना वाला डिस्काउंट भी था और नया भी आ गया, ये हमने मान के सवाल को कर लिया। अब हम इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या करते हैं, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो क्या लिखते हैं जानते ही आप, बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे ये बच्चे आपके फोरफिटेड में, देखिए पहले ऊपर 3200 रुपये थे, देख सकते हैं 3200 रुपये थे, और अब कितने हैं फोरफिटेड में, 400 हैं, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2800 रुपये का अंतर हो गया, तो 2800 रुपये आ गए, यानी कि 3200 − 400, ये 400 थे और ये हमारे 3200 थे, तो इनका अंतर हो गया 2800 और हमने यहाँ पे लिख दिया और हमारा अकाउंट यानी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने कई काफ़ी क्वेश्चन करे हैं तो आपको कुछ समझ में आया होगा। बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। Thank you.